हुस्न बानो एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जो हंटरवाली नादिया के बाद स्टंट अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई और बाद में 1930 से 1970 के दशक तक फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया। हुस्न बानो का जन्म 8 फरवरी 1919 को सिंगापुर में रोशन आरा के रूप में हुआ था। वह अभिनेत्री शरीफा बाई की बेटी और अभिनेत्री नाजिमा की चाची थी। उन्हें मुंबई के एक हाई स्कूल में भर्ती कराया गया और वहाँ से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। वह अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू, बंगाली और हिंदी में पारंगत थी। वह गायन और नृत्य में भी निपुण थी। अपनी माँ की तरह हुस्न बानो ने अपना करियर कलकत्ता से शुरू किया। उन्होंने 1934 में नितिन बोस के निर्देशन में न्यू थिएटर की फिल्म डाकू मंसूर में अभिनेत्री उमा साशी और केएल सहगल के साथ मुख्य भूमिका में अपना करियर शुरू किया। फिल्म के कलाकारों में शामिल थे केएल सहगल, उमा शशि, पृथ्वीराज कपूर, हुस्न बानो, पहाड़ी सान्याल और निमो डाकू मंसूर बानो की पहली फिल्म थी। उनकी माँ शरीफा न्यू थिएटर के भुगतान से खुश नहीं थी और उन्हें बम्बई ले आई, जहाँ हुस्न बानो को वाडिया फिल्मों में भूमिकाएं मिलने लगी। हालांकि उन्हें केवल सी ग्रेड स्टंट एक्शन फिल्म में ही ऑफर की गई। 1940 के बाद उन्हें भारत लक्ष्मी फिल्म्स द्वारा बनाई गई दो सामाजिक फिल्मों में सफलतापूर्वक भूमिकाएं मिली। 1941 में उन्होंने भवनानी प्रोडक्शंस और नेशनल स्टूडियो की दो फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्हें केवल छोटी या साइड भूमिकाएं ही मिली। 1941 में हुस्न बानो को ढांडोरा नाम की फिल्म में नूर मोहम्मद चाली के साथ मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। जवानी नामक फिल्म एक अभिनेत्री के रूप में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। उन्होंने प्रेम नगर में गाना गाया, जो संगीत निर्देशक के रूप में नौशाद की पहली फिल्म थी। हुस्न बानो उन पहली अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें मशहूर गायिका नूरजहां, जो आजादी के बाद पाकिस्तान चली गई, ने 1944 में फिल्म दोस्त में अपनी आवाज दी। हुस्न बानो ने अपने जीवन काल में लगभग 53 फिल्मों में अभिनय किया और 16 फिल्मों में 44 गाने गाए। उन्होंने 1977 में अपनी मृत्यु तक फिल्मों में मुख्य और चरित्र दोनों भूमिकाओं में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म आखिरी सजदा थी। जानकारी अच्छी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।